इसलिए ना जेल जाने से नहीं डर लगता है, जेल जाना ही है तो चले जाएंगे। साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। ये थे डॉक्टर कफील खान, जिन्हें आपने सुना, ये उनका आखिरी संदेश था। आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन मुसीबत ये है कि इनकी पहचान ही सबसे बड़ी दुश्मन है। जी हाँ, और आज आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ का राम राज और योगी आदित्यनाथ का इंसाफ कि एक तरफ जो डॉक्टर बच्चों की जान बचाता है उसे जेल में ठूस दिया जाता है, मरने को छोड़ दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर लल चंदानी, जिनका नाम आपने खूब सुना होगा सुर्खियों में, वो तब आई जब ये वो कह रहे थे कि जो जमाती है उन्हें तो मरने को छोड़ देना चाहिए, वो आतंकवादी है, वो इंसान नहीं आतंकवादी है, उन्हें जेल में ठूस देना चाहिए। ये डॉक्टर लल चंदानी जो कानपुर मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर है, उनका ये बयान था। उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगता, वो जेल नहीं जाते, सिर्फ उनका तबादला हो जाता है और कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कपिल खान, जिन्होंने आज 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये आदेशा जताया है कि हमारी हत्या हो सकती है और हमारी हत्या को आत्महत्या करार दे दिया जाएगा। जी हाँ, जो बहुत ही मार्मिक आप वो चिट्ठी है, जिसे हर कोई सुनकर दंग रह जाएगा, जो उन्होंने बताया है अपने बारे में कि उनको किस तरह की जेल में यातनाएं दी जा रही है। इस चिट्ठी को शेयर किया है ट्विटर पर अपने अमरोहा से सांसद बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने। उन्होंने भी मांग किया कि दानिश अली ने ये कहा कि जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है उसे योगी आदित्यनाथ ना बिगाड़े। वैचारिक मतभेद अलग होते हैं, लेकिन इसे दुश्मनी की तरह नहीं देखना चाहिए, तो हमारी खूबसूरती है। आखिर क्यों डॉक्टर कपिल खान को गिरफ्तार करके पुलिस रखी हुई है, जेल के अंदर योगी आदित्यनाथ डाली हुई है, कोई वजह तो होगी। बिना किसी गुनाह के वो जेल के अंदर सड़ रहा है, और उसने अपनी जो चिट्ठी में लिखी है कि उनको किस तरीके से कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से यातनाएं दी जा रही है, तो वही डॉक्टर दानिश अली ने इस बात को लेकर इस बात मांग की है सरकार से कि उन्हें रिहा किया जाए। अब आपको दिखाते हैं कि जब डॉक्टर कपिल खान से जब मीडिया वाले ने पूछा, जब वो तारीख पर जा रहे थे, तो उनका क्या जवाब था। उन्होंने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, उनके बयान को सुनिए। ये थे डॉक्टर कपिल खान जो कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें रिहा करे, आखिर मेरा कसूर और मेरी गलती क्या। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर लल चंदानी का वो वीडियो जब वो खूब सुर्खियों में आया था और वो कह रहे थे कि जमातियों को तो मार देना चाहिए, टेररिस्ट है, इन्हें जेल में डालना चाहिए, हम क्यों इन लोगों के ऊपर इन लोगों का वीआईपी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप उनके भी इस वीडियो को देखिए और सोचिए, अंदाजा लगाइए कि क्या ये इंसाफ है। इसी ग्राम राज्य में क्या यही कहा गया था कि जो दोषी हो उसको मुक्त कर देना चाहिए, और जो बेचारा डॉक्टर जिसकी खिदमत करता हो, बच्चों की जान बचाता हो, उसे जेल में ठूस देना चाहिए। ये आप पहले डॉक्टर लल चंदानी का ये वीडियो देखिए। ये टेररिस्ट है। डॉक्टर को जमीन का फरिश्ता कहा जाता है, खुदा भगवान कहा जाता है, लेकिन वो कैसी बातें कर रही थी, लेकिन उनके साथ किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता, सिर्फ उनका तबादला कर दिया जाता है। ये है आज का इंसाफ, और योगी आदित्यनाथ का यही है इंसाफ का मॉडल, जो लोकतंत्र के मॉडल को, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन उसको तो कहीं ना कहीं बिगाड़ कर रखा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर डॉक्टर कपिल खान का क्या गुनाह था, वो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को एक भाषण दिया था नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। उस कानून के खिलाफ जो उन्होंने भाषण दिया था, जो काला कानून जिसे कहा गया, उसी को लेकर जो कुछ बातें की उन्होंने कि हम सब एक है, हम सबको कोई तोड़ नहीं सकता, और हम बताएंगे सरकार कैसे चलाना है, इसी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी 29 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट से। आप इस वीडियो को देखिए। ये था वीडियो। इसी की वजह से, एक भाषण देने की वजह से उन पर रासुका लगा दिया जाता है। सोचिए कि डॉक्टर कपिल खान कितने बड़े अपराधी है, कितने बड़े मर्डरर है, कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को यूथ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम मुंबई जाती है और मुंबई एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार करती है। सोचिए, आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर कपिल खान कितना बड़ा अपराधी है, अपराधी और आतंकवादी था। ये सोचने और समझने की बात है कि किस तरीके से एक डॉक्टर को जेल में ठूस दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्या उसका नाम डॉक्टर कपिल खान था, वो मुसलमान था, इसलिए आखिर ये दोहरा और डबल स्टैंडर्ड क्यों योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं। एक डॉक्टर के लिए अगर आपका विरोध कर रहा है, अगर कोई वैचारिक मतभेद है, तो क्या उसके साथ इस तरह का बदला लिया जाएगा। वो साफ साफ वो डॉक्टर कपिल खान जेल से चिट्ठी लिखता है 4 पन्ने का, और ये कहता है कि हमारी हत्या हो सकती है और उसे आत्महत्या करार दे दिया जाएगा।
जेल जाने से पहले ही उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार है और मैं ये कहना चाहता हूँ साफ तौर पे कि मैं आत्महत्या कभी नहीं करूंगा और मुझे ऐसा ना सोचा जाए कि मैं अगर मुझे मार दिया जाए, मुझे डर यही है मेरे परिवार वाले को भी कि अगर मार दिया जाए तो ये ना समझे कि मैंने आत्महत्या किया है। पुलिस यही करेगी, अगर मैं मरूंगा तो पुलिस ये बता देगी कि मैंने आत्महत्या किया है, जबकि मैं ये साफ साफ कह दूं कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। ये उन्होंने आखिरी संदेश किया था। और आप बता दें कि उनके रिहाई के लिए आवाजें बुलंद हो रही है सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पे कल ट्रेंड करता रहा है डॉक्टर कपिल खान के साथ इंसाफ हो, बस यही आज की सच्चाई है। और योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि किसी तरह की कोई आपसी मतभेद या वैचारिक मतभेद अलग होती है, लेकिन इस तरीके से किसी परिवार के साथ जो एक डॉक्टर है जो सेवा कर रहा है उसके साथ इस तरह की हरकत ना करें। और हम भी अपील करते हैं कि एक बेगुनाह को छोड़ दिया जाए।